ଉଠୁଛି ଗିରଫ ଭୟ ଇଡି ରାଡାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଜାଲରେ କେଜରିୱାଲ ଓ ସୋରେନ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ ପରେ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ହାଜର ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଇଡି ବଢ଼ୁଛି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ଭାବନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମଦଶା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡି ସମନ ପରେ ବି ହାଜର ହେଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ରାଞ୍ଚି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଇଡି ସମନକୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିବା ବେଳେ ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଡି ସମନ ଜାରି ହୋଇଥିଲେ ବି ବୁଧବାର ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ଗିରଫ ଭୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହେଉନଥିବା କହିଛି ବିଜେପି ସେପଟେ କେଜରିୱାଲ ଇଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିର ନୋଟିସ୍ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛି ଆପ୍ जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं पहला दूसरा जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंग पिन हैं तीसरा आप थर थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी वो कट्टर बेईमान है पापी है भ्रष्टाचारी है लूट खसोट करता है कमीशन खोरी करता है और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। ये बिल्कुल साफ है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन है। ऐसा कैसे होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अनाउंस करती है कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद ईडी समन भेजती है कि इस समन का किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक राजनीतिक साजिश है। आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर हमला करने की एक साजिश है। झारखंड रे सातो सातो थर समन सत्वे हेमंत सोरेन ईडी सम्मुखरे हाजर होइ नथिबारु एक्शन मोड को आसीछि प्रवर्तन निर्देशालय। सोरेन को 10 रु अधिक सहयोगी घरे ईडी चढ़ाऊ होइछि। मुख्यमंत्री मीडिया एडभाइजर अभिषेक प्रसाद साहिबगंज जिलापाल राम निवासी हजारीबाग डीएसपी राजेन्द्र दुबे घरे रेड कर ईडी पक्ष सोरेन को हाजर होगा सात दिन पर्यंत समय दिजाई निजर पक्ष रखा हेमंत सोरेन शेष सुजोग चेताई हेमंत सोरेन मुंडे गिरफ्र खंडा झुलू बुधवार जेएमएम विधायक दल बैठक डाकि सोरेन पत्नी कल्पना को झारखंड मुख्यमंत्री करने को हेमंत प्रस्तुत होता चर्चा जोर धरी सेपटे झारखंड में अस्थिरता सृष्टि उद्देश्यमूलक भाव ईडी नोटिस जारी कांग्रेस संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना विधायक कोई बिना जो बिना विधायक है उसको मुख्यमंत्री बनाने की साजिश की जा रही है और मोदी की गारंटी है कि गरीबों के जो पैसे जिसने लूटा है उनके घर से बरामद करके गरीबों के हित में काम करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो कहीं ना कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का हमें धमकाने का एक प्रयास है और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे न दबेंगे न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाए और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। दिल्ली मौत दुर्नीति मामला रे सीएम केजरीवाल और रांची जमी दुर्नीति मामला रे सीएम सोरेन का गिरफ आशंका बढ़ुची सेपटे चाकरी पाई जमी दुर्नीति मामला रे आसंता 5 तारीख रे हाजर हेबाकु बिहार उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मध्य ईडी समन जारी करिछि। दुर्नीतिग्रस्त विरोध में दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान दावी करिछि बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।